सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। ऐश ने अपने जर्नी में काफी सारे पोकेमोन पकड़े हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमोन हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। तो आज हम हर एक रीजन से ऐश के बेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन को देखने वाले हैं। इसमें वो पोकेमोन्स भी इंक्लूडेड होंगे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते थे, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। तो हां, डेफिनेटली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जनरेशन वन यानी कि कैंटो रीजन से। कैंटो रीजन में ऐश ने काफी सारे पोकेमोन्स पकड़े थे, जैसे कि पिकाचू, बटरफ्री, पिजियोट, बल्बसॉर, चारिजार्ड, स्कॉटल, किंगलर, मक, टॉरस, लैप्रेस, स्नोरलैक्स और प्राइमेट। इनमें चार पोकेमोन ऐसे थे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते थे, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। सबसे पहला है पिजियोट, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा पिजियोट में। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। बल्बसॉर और स्कॉटल फुली इवॉल्व होने के बाद इवॉल्व हो सकते थे मेगा विनोसॉर और मेगा ब्लास्टोइस में। वहीं पर चारिजार्ड के पास दो मेगा एवोल्यूशन है, वो मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा चार्जर्ड एक्स में, जो कि फायर और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, या फिर वो मेगा इवॉल्व हो सकता है फायर और फ्लाइंग टाइप के पोकेमोन मेगा चार्जर्ड वाई में। बट ऐश का चार्जर्ड इन दोनों में से किसी में भी मेगा इवॉल्व नहीं होता है। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऐश का मेगा चार्जर्ड, क्योंकि चार्जर्ड ने अपने बेस फॉर्म में ही एक ही बैटल के अंदर गैरी के तीन पोकेमोन गोलम, सीजर और ब्लास्टोइस को हरा दिया था। इसने लेजेंडरी पोकेमोन जैसे कि आर्टिकोनो को भी हराया है और ड्रैगनर जैसे पोकेमोन को ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो अगर ऐश का चार्जर्ड मेगा इवॉल्व होता तो वो आसानी से किसी भी पोकेमोन को डिफीट करने की पावर रखता है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में ऐश का कैंटो का सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमोन होगा मेगा चार्जर्ड। नेक्स्ट है जनरेशन टू यानी कि जोटो रीजन। यहाँ पर ऐश ने आठ पोकेमोन्स को पकड़ा था, जो कि थे बेल लीफ, क्विलावा, हेराक्रॉस, नॉकटाउल, टोटोडाइल, डॉनफेल, लार्विटार और बीड्रिल। इनमें तीन पोकेमोन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है हेराक्रॉस, जो कि बग और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा हेराक्रॉस में, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। सेकंड पोकेमोन है लार्विटार। ये ऐश का एक टेम्पररी पोकेमोन था जिसको ऐश आगे जाके रिलीज कर देता है, बट ये सूडो लेजेंडरी पोकेमोन टायरेनिटार में इवॉल्व होता है, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा टायरेनिटार में। एक सुपर स्ट्रॉन्ग रॉक और डार्क टाइप पोकेमोन है। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बेस्ट स्टैट लेजेंडरी पोकेमोन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा से भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐश का थर्ड मेगा इवॉल्व पोकेमोन है बीड्रिल। इसको ऐश ने एक बग कैचिंग कॉन्टेस्ट में कैच किया था, बट आगे जाके ऐश अपनी बीड्रिल केसी को दे देता है। वेल, बीड्रिल भी मेगा इवॉल्व हो सकती है मेगा बीड्रिल में। ये एक बग और पॉइजन टाइप पोकेमोन है। अगर हम यहाँ पर टेम्पररी पोकेमोन को काउंट करें तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली मेगा टायरेनिटार, क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमोन्स के टक्कर का है, बट ये पोकेमोन ऐश के पास वापस नहीं आने वाला। तो अगर लॉजिकली देखें तो जोटो रीजन के ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमोन होगा मेगा हेराक्रॉस। नेक्स्ट है जनरेशन थ्री यानी कि होइन रीजन। यहाँ पर ऐश के पास पांच पोकेमोन है, जो कि है ग्लेली, कॉर्फिश, टॉर्कोल, स्वेलो और सेप्टाइल। इनमें से दो ऐसे पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है ऐश का ग्लेली, जो कि एक प्योर आइस टाइप पोकेमोन है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा ग्लेली में। वहीं पर ऐश का सेकंड मेगा इवॉल्व पोकेमोन है ग्रास टाइप पोकेमोन सेप्टाइल। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा सेप्टाइल में, जिसमें जाने के बाद ये ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमोन बन जाता है। ये दोनों ही पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्लेली का विन परसेंटेज 67% है, जो कि ग्रेनिंजा के बराबर है। इसने चार्जर्ड, डक्ट्रियो और मिटैंग जैसे पोकेमोन को हराया है। वहीं पर टाइसन के सेप्टाइल के साथ टाई किया है। इसके अलावा ग्लेली सिर्फ एक ही बैटल हारा है, जो कि सीकिंग के सामने थी। ये भी वो स्नोरन के फॉर्म में हारा था। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बट वहीं पर सेप्टाइल के पास इससे ज्यादा अच्छी टाइपिंग है। सेप्टाइल ने एक ऐसे पोकेमोन को भी हराया है जिसको इसके अलावा कोई और नहीं हरा पाया, जो कि है टोबियास का मिथिकल पोकेमोन डार्कराय। तो अगर ये मेगा इवॉल्व हो जाता है तो ये किसी भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमोन को टक्कर दे सकता है। तो डेफिनेटली आज का सबसे स्ट्रॉन्ग होइन मेगा इवॉल्व पोकेमोन होगा सेप्टाइल। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन फोर यानी कि सिनो रीजन। यहाँ पर ऐश ने छह पोकेमोन्स को पकड़ा था, जो कि थे गिबल, ग्लाइस्कोर, ब्यूजेल, टॉर्टेरा, स्टारेप्टर और इन्फर्ने। इन सब में सिर्फ एक ही ऐसा पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, वो पोकेमोन है गिबल। गिबल एक ग्राउंड और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, जो कि फुली इवॉल्व होता है सूडो लेजेंडरी पोकेमोन गारशॉप में, जिसके बाद ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गारशॉप में, जो कि पोकेमोन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन है। ये सिंथिया जैसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन का एस पोकेमोन भी है, बट ऐश ने इसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, वरना ये ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होता। तो हाँ, ये आज का स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमोन होगा सिनो रीजन का।
नेक्स्ट है जनरेशन 5 यानी कि योनोवा रीजन। यहाँ पर ऐश ने टोटल 9 पोकेमोन्स को पकड़ा था जो कि थे पालपिटोर्स, क्रैगी, ओशोवर्ट, लिवानी, बोल्डोर, स्नाइवी, अनफिजेंट, पिगनाइट और क्रोकोडाइल। ये काफी ज्यादा थे बट इनमें से एक भी ऐसा पोकेमोन नहीं था जो कि मेगा इवॉल्व हो सके। इसीलिए योनोवा रीजन को स्किप कर नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जेन 6 कैलोस रीजन। कैलोस ही वो रीजन था जहां पर मेगा एवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहां पर ऐश ने 5 पोकेमोन्स पकड़े थे जो कि थे नॉइवन, हाउलूचा, टेलोनफ्लेम, गुडरा और ग्रीनिंजा। योनोवा रीजन के तरह कैलोस में भी ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं है जो कि मेगा इवॉल्व हो सके, बट इससे काफी सिमिलर फेनोमेना है ग्रीनिंजा के पास जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है ऐश ग्रीनिंजा में। बॉन्ड एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन में काफी सारी सिमिलरिटीज है, दोनों के लिए ही एक ट्रेनर की जरूरत होती है। दोनों फॉर्म में जाने के बाद पोकेमोन की डिजाइन बदल जाती है और उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद एक पोकेमोन के बेस स्टैट 100 पॉइंट से बढ़ते हैं, वहीं पर बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद एक पोकेमोन के बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ते हैं। बस इनमें ये डिफरेंस है कि बॉन्ड एवोल्यूशन के लिए किसी भी तरह के स्टोन की जरूरत नहीं होती। ग्रीनिंजा ने बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद काफी सारे मेगा पोकेमोन को भी हराया है जैसे कि मेगा बूमस्नो और मेगा सेप्टाइल। इसने चैंपियन डायंथा के मेगा गार्डिवॉर को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी, तो हम इसको एक मेगा इवॉल्व पोकेमोन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन यानी कि जेनरेशन 7 की तरफ जो कि है अलोला रीजन। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमोन्स को कैच किया था जो कि है मेलमेटल, नागानाडेल, राउलेट, इंसिनरोर और लाइकेनरॉक। सारे ही पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग है बट इस रीजन के अंदर ऐश के सारे पोकेमोन अलोला रीजन के थे, और क्योंकि अलोला रीजन के किसी भी पोकेमोन को मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला है इसलिए इस रीजन में ऐश के पास कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं था जो कि मेगा इवॉल्व हो सके। इसलिए इस रीजन को स्किप कर बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन यानी कि जनरेशन 8 के तरफ जो कि है गला रीजन। यही वो रीजन था जहां पर ऐश वर्ल्ड चैंपियन बनता है। यहां पर ऐश ने 5 पोकेमोन्स पकड़े थे जो कि थे लुकारियो, ड्रैगनाइट, गेंगार, सरफेच और ड्रैकोविश। इनमें दो ऐसे पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला ऐश का गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गेंगार में, बट मेगा इवॉल्व ना करके ऐश अपने गेंगार को जैगेंटामैक्स करता है, जिस फॉर्म में जाने के बाद इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को डिफीट किया है जैसे कि जैगेंटामैक्स इंटेलियन और जैगेंटामैक्स ग्रिमस्नाल। सेकंड पोकेमोन है स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमोन लुकारियो जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा लुकारियो में, और ये ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमोन भी है जिसको ऐश ने पोकेमोन एनीमे के अंदर मेगा इवॉल्व भी किया है। ऐश और लुकारियो के बीच में ऑरा बॉन्डिंग भी है, साथ में लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद जायंट ऑरा स्फीयर का यूज कर सकता है। मेगा लुकारियो ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को भी हराया है जैसे कि बी का जैगेंटामैक्स मचैम्प, रिहान का जैगेंटामैक्स ड्रिलाडोन और इसने वॉकनर के लग्जरी के साथ टाई भी किया है। बट इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है ऐश वर्सेस सिंथिया बैटल के अंदर जहां पर ये बैटल करता है सिंथिया के गारचॉम्प से। कोई भी इसको डिफीट नहीं कर पाया था बट इस बैटल के अंदर मेगा लुकारियो सिंथिया के गारचॉम्प को हरा देता है जिससे ऐश पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चला जाता है। तो हां डेफिनेटली ऐश का बेस्ट गलार मेगा इवॉल्व पोकेमोन होगा लुकारियो। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।